अपना विश जो है या अपने सपने साकार कैसे करना, उसके 8 स्टेप्स है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। जब हमको लोग फ़ोन करके पूछते रहते हैं, सलाह लेते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं, तो उसमें ऐसा मालूम पड़ता है कि लोगों को पहला जो है, मतलब 80% लोगों को तो क्लियर विश ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं 80% पीपल कि उनको करना क्या है डेफिनेटली। तो उसके बारे में बात करेंगे। आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, पुणे, मुंबई यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, हॉस्पिटल्स हैं। तो दुनिया की आबादी में 80% लोगों को क्लियर विश नहीं है, मतलब इच्छा क्लियरली कि क्या डेफिनेटली उनको करना है मालूम ही नहीं 80% लोगों को। फिर बचे कितने 20। अब 20% में से 80% लोगों को, मतलब लोग, उनकी क्या विश है वो लिखते नहीं है, क्योंकि वो चाहिए क्या, वो मतलब लिखी हुई नहीं है उनकी विश, क्लियर नहीं, विश लिखी नहीं, क्लियर स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि वो चाहिए क्या। उसमें से जो 20% बचे हैं, उसमें से 80% लोग, 80% लोग जो लिखा है वो पढ़ते ही नहीं है, रोज पढ़ना चाहिए, वो पढ़ते नहीं है, बचे 20% उसमें से। अब जो 20 बचे उसमें से 80% लोग उसको जोर से पढ़ते नहीं, लाउडली पढ़ते नहीं, मन में पढ़ने से होता नहीं। अब उसमें से जो 20% बचे, उसमें से 80% लोग उसको विजुअलाइज करते नहीं है, विजुअलाइज करना है, कल्पना चित्र तैयार करना है, उसको विजुअलाइज करते नहीं है। उसमें जो 20% बचे, उसमें से 80% लोग उनको भावनाओं के साथ में विजुअलाइज नहीं करते। उसमें से जो 20 बचे, वो 20 के 80% लोग हिप्नोटिक स्टेट में विजुअलाइज करना चाहिए, सेल्फ हिप्नोसिस में, तो सेल्फ हिप्नोसिस में विजुअलाइज नहीं करते। मतलब जो भी आपने लिखा है वो क्लियर पिक्चर उसका सामने आना चाहिए, नंबर 1 बहुत महत्व का है, क्लियर पिक्चर विजुअलाइज करना चाहिए। नंबर 2 इमोशन के साथ में विजुअलाइज करना चाहिए, भावनाओं के साथ में विजुअलाइज करना चाहिए। जैसा अभी कार है, मर्सिडीज कार लेनी है, तो मर्सिडीज कार मतलब मैं चला रहा हूँ और मेरी भावनाएं क्या हो रही है उसके साथ में, वो मैंने पिक्चराइज करना चाहिए, वो मैंने फील करना चाहिए। तो विजुअलाइज करना, इमोशनलाइज करना, और हिप्नोटिक ट्रांस में, हिप्नोटिक स्टेट में वो विजुअलाइज करना। तो 80% लोग हिप्नोटिक ट्रांस में विजुअलाइज नहीं करते। अभी बचे कितने, जो 20% बचे हैं वो लोग बार 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 ये एक्सरसाइज रिपीट नहीं करते। तो पहली स्टेप है क्लियर विजन की, पहली स्टेप क्लियर विजन। नंबर 2 लिखना, नंबर 3 पढ़ना, नंबर 4 जोर से पढ़ना, नंबर 5 विजुअलाइज करना, नंबर 6 इमोशनलाइज करना, नंबर 7 ट्रांस में करना, ट्रांस में देखना है वो, नंबर 8 बार 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 ये रिपीट करना। ऐसे 8 स्टेप्स है, और ये स्टेप यदि करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो विश है, जो भी आपकी इच्छा है, वो पूरी साकार हो जाएगी। ये परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि 0.00025% लोग ही फिर सक्सेसफुल होते हैं, जिनको हम बोलते कि वो लकी है। फिर इसमें मदर टेरेसा होंगी, महात्मा गांधी होंगे, या और बड़े बड़े जो लोग होंगे कि जो अपने अपने सपने साकार करते हैं, और साकार करने के लिए विजुअलाइज करना, इमोशनलाइज करना, हिप्नोटिक ट्रांस में उसको विजुअलाइज करना, ये 3 चीज़ें बार बार करना है, जरूरी है। और वो यदि आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। ये आप जरूर करो, ये वीडियो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।